किसी और के जैसा बनने का प्रयास करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाइए, स्वयं को जानिए, अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। इसी अच्छे थॉट के साथ मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं ओल्ड साड़ी का रियूज करना दिखाऊंगी और उसे बनाऊंगी बहुत ही सुंदर कर्टेन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, ये है मेरी कॉटन की साड़ी जिसकी मैं कर्टन बनाऊंगी, और मैं डबल कॉम्बिनेशन में कर्टन बनाऊंगी। तो एक मैंने फैब्रिक लिया है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा सा देख लें जिससे कि जो कर्टन बने तो वो अच्छा लगे। तो मैंने इसमें ऑरेंज मेरी साड़ी थी और ग्रीन कलर का मैंने लिया है फैब्रिक। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी साड़ी से आप कर्टन बना रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर लें, उसकी फॉल को निकाल लें। मैंने फॉल इसकी निकाल दी है और इस पर अच्छे से प्रेस कर लें क्योंकि सिकुड़ जाती हैं साड़ियाँ। ये कॉटन की साड़ी तो वैसे भी सिकुड़न में आ जाती है। तो ये मैंने देखिए पूरी साड़ी में अच्छे से प्रेस कर ली है और अब मैं इसे कट करूँगी। तो इसका अच्छे से मेज़रमेंट लेना है और उसके बाद इसे कट करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी इसको मैंने कैसे मेज़र किया है। मुझे कर्टन में जो फ्रिल लगानी है वो 8 इंच लंबी लगानी है, तो इसके लिए मैं 9 इंच पर मार्किंग करूँगी। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और पूरी साड़ी की मैं लंबी पट्टियाँ 9 इंच की कट कर लूँगी, उसके बाद इसकी फ्रिल बनाऊँगी। इसी तरह ग्रीन कपड़े की भी 9 इंच की पट्टी निकाल लेनी है, उसकी भी फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल बनाना बहुत आसान है। ये देखिए प्लीट्स देते जाएंगे हम बराबर पे और हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ग्रीन कलर की मैंने फ्रिल बना ली है। ग्रीन कलर की जो फ्रिल बनी है वो एकदम मेरे कर्टन के परफेक्ट बनी है, और ऑरेंज कलर की जो फ्रिल बनी है वो काफ़ी लंबी है क्योंकि लंबी पट्टी उसे बनाई है मैंने। तो इसे हम अपना मेज़र कर लेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उसको कट कर लेंगे। तो एक जो लंबी पट्टी थी उसमें मेरी 3 फ्रिल निकल आई है। ये ऑरेंज कलर की जो साड़ी है वो मैंने अभी पिछले वीडियो में पहनी भी है। अब हम अपने कर्टन का बेस तैयार करेंगे जिस पर हम ये फ्रिल को अटैच करेंगे। तो आप कोई भी पुरानी कर्टन ले सकते हैं, या आपके पास पुरानी कर्टन नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। वैसे मैं ऑरेंज कलर का या ग्रीन कलर का कपड़ा लेना चाहती थी लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है और इस पर मैं अपनी जो फ्रिल है हमारी वो अटैच कर दूंगी। सबसे पहले हमें जितनी लंबाई और चौड़ाई के कर्टन बनाने हैं उतना हम कपड़ा कट कर लेंगे और उस पर हम अपनी फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल का एक पार्ट रखेंगे, उसे सिलाई करेंगे और उसके बाद दूसरा जो पार्ट रखेंगे उसे हम ऊपर वाली फ्रिल के नीचे से दबा देंगे। दूसरी वाली जो फ्रिल लगाएंगे उसकी सिलाई को दिखना नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगाना है। ये देखिए पूरी फ्रिल लग करके तैयार हो गई है। और ये ग्रीन कपड़ा मेरा कम था तो मैंने इसे एक पार्ट ग्रीन लगाया है, 3 पार्ट मैंने ऑरेंज के लगाए हैं। अब ये जो ऊपर की तरफ सिलाई दिख रही है तो इसे हम कवर करेंगे। तो इसके लिए एक पतली सी स्ट्रिप कट कर ली है और इसे हम जैसे बॉन लगाते हैं ना, बॉन पट्टी, उसी की तरह इसे सिल देंगे। कर्टन को हैंग करने के लिए हम ऑरेंज और ग्रीन कलर की स्ट्रिप बनाएंगे। ये देखिए स्ट्रिप से इस तरह से हुक बना लेंगे और जिससे कि ये हैंग हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप भी लगा ली है, इसमें उसमें भी मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया है, कुछ ग्रीन है कुछ ऑरेंज है जिससे कि ये देखने में अच्छी लगे। तो अब हम इन्हें हैंग करेंगे। कर्टन पूरी तरह से बनकर के तैयार है, अब हम इसे हैंग करेंगे और बहुत ही सुंदर कर्टन्स बने हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपनी ओल्ड साड़ी से जिसे आप नहीं पहनते हैं उससे कर्टन्स बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनते हैं। आप जो भी कर्टन बनाएं वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पूरी कर्टन में फ्रिल लगाई है। आप हाफ फ्रिल लगा सकते हैं, आधे में लगा सकते हैं, आधे में आप प्लेन कर सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे। एक ही कलर का भी बना सकते हैं कर्टन आप, एक ही कलर की साड़ी से या फिर 2 कलर की साड़ी से आप कर्टन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इन्हें सिलना। तो ये लीजिए मैंने कर्टन को पाइप में हैंग कर दिया है और अब इसके दोनों साइडों को मैं लगा दूंगी। तो किसी पेचकस की मदद से आप इसे लगा सकते हैं, अभी मुझे पेचकस नहीं मिला तो मैंने इसे चाकू से ही लगा दिया। तो अब मैंने ये गेट पर पर्दे को हैंग कर दिया है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे मैंने थोड़ा सा डेकोर कर दिया है, तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने लाइट लगा दी है, तो कितनी सुंदर लग रही है लाइट लगने से। साड़ी और फैब्रिक से बहुत ही सुंदर से कर्टन बनकर के तैयार हैं, और जब मैंने इन्हें हैंग किया और लाइटिंग करी तो बहुत ही सुंदर लगा। मेरे रूम का तो एकदम से लुक ही बदल गया, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा रूम।
तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।